नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दूसरे मामले में भी उम्र कैद की सजा मिली रामपाल को। दूसरे मामले में रामपाल को उम्र कैद की सजा मिली है। सजा सुनकर बोला था, परमात्मा ने जो चाहा है वही ठीक है। रामपाल समेत 23 लोग सतलोक आश्रम में 2014 में हिंसा के दोषी पाए गए थे। 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत के पहले मामले में भी रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दूसरा मामला बंधक बना गई एक अन्य महिला की मौत से जुड़ा है। हिसार बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में 2014 में हुई हिंसा के दूसरे मामले में भी रामपाल समेत 14 लोगों को बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं दोषियों पर 2,05,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामला आश्रम में एक महिला की मौत से जुड़ा था और इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत के मामले में रामपाल को 15 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 6 लोग ऐसे हैं जो दोनों मामलों में दोषी करार दिए गए। इस तरह कुल दोषियों की संख्या 23 है। गिरफ्तारी से बचने के लिए रामपाल ने महिला समर्थकों को बनाया था ढाल। झड़प में हुई थी 6 महिलाओं की मौतें। ललितपुर के सुरेश ने दायर किया था दूसरा केस। सतलोक आश्रम में हिंसा का दूसरा केस उत्तर प्रदेश के ललितपुर निवासी सुरेश की शिकायत पर दर्ज हुआ था। उनका आरोप था कि ललितपुर में 8 नवंबर 2014 को वह अपनी पत्नी रजनी और दादी कांसीबाई के साथ आश्रम में आया था। 11 नवंबर को वापस घर जाने लगा तो रामपाल के कहने पर लाठियों से लैस उसके समर्थकों और कमांडो ने उसे रोक करके आश्रम में बंधक बना लिया। वहीं 18 नवंबर को प्रशासनिक अमले पर पथराव किया गया। इस दौरान बंधक बनाकर रखी पत्नी और दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बाद में अस्पताल में पत्नी ने दम तोड़ दिया। वहीं बाकी दोषियों ने रामपाल को लेट करके किया प्रणाम। स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को जब पहले मामले में रामपाल को सजा सुनाई तो उसने कहा था कि परमात्मा ने जो किया है वह ठीक है। यह देखकर बाकी 14 दोषियों ने रामपाल को फर्श पर लेट करके प्रणाम किया। आपको बता दें कि कभी जूनियर इंजीनियर रहा रामपाल अब कैदी नंबर 1005 बनकर सजा काटेगा। उसे जेल में लघु उद्योग बागवानी का काम भी मिल सकता है। इसकी एवज में मेहनतनामा भी मिलेगा। रामपाल कभी 12.5 एकड़ में बने सतलोक आश्रम में ऐशो आराम करता था। रामपाल ने खुद कहा कि मैंने कमांडो से कहा था कि महिलाओं और बच्चों को पीट करके कमरे में बंद कर दो, क्योंकि रामपाल ने पुलिस के सामने खुद कबूल किया था। मैंने कमांडो से कहा था कि महिलाओं और बच्चों को पीट करके कमरे में बंद कर दो। रात को देखा कि एक बच्चे और महिलाओं की मौत हो चुकी थी। उनके शवों को आश्रम से बाहर फेंक दिया गया था ताकि उनकी मौत का जिम्मेदारी पुलिस को दी जा सके। उसने बताया कि मेरे कहने पर ही कमांडो ने फोर्स का गठन हुआ था। मेरी ही गिरफ्तारी रोकने के लिए मुझसे जुड़े हैं रहस्यों और निजी कमांडो के साथ में दिया था। वहीं आपको बता दें कि नवंबर 2014 में हाईकोर्ट ने करौंदा में युवक की मौत के मामले में रामपाल को पेश होने के लिए आदेश दिए थे। 10 नवंबर को पुलिस के पास में रामपाल को कोर्ट में पेश करने का समय भी था। रामपाल को समर्थकों ने अस्वस्थ बता करके पेश नहीं होने दिया। रामपाल हाईकोर्ट में पेश नहीं होने पर सरकार और प्रशासन ने फटकार भी लगी थी। पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जो 10 दिन तक चला था। 18 नवंबर 2014 को पुलिस ने रामपाल की गिरफ्तारी के लिए आश्रम में प्रवेश करना चाहा तो समर्थकों में टकराव हुआ था। 19 नवंबर तक रामपाल समर्थकों और पुलिस के बीच में टकराव चलता रहा। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए थे। 20 नवंबर 2014 को रामपाल की गिरफ्तारी के बाद में आश्रम खाली करवा करके पुलिस ने कब्जे में ले लिया था।
वहीं 11 अक्टूबर 2018 को हत्या के दो मुकदमों में रामपाल समेत 29 को दोषी करार दिया गया। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। संतोष जाहिर करते हुए कहा, उन्होंने याद दिलाया उस इतिहास को जब हीराबाई के साथ, ईसा मसीह के साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ, नानक देव के साथ इतिहास में ऐसा हुआ है। सत्य की लड़ाई के लिए उन्हें कितनी परीक्षा देनी पड़ी, कितनी परेशानियां सामना, अपना जीवन ने उछावर कर दिया, अपना परिवार ने उछावर कर दिया। उसी तरह संत रामपाल दास जी ने अपना पूरा परिवार और अपने फॉलोअर्स को उछावर कर दिया। विशेष टिप्पणी कुछ नहीं, विशेष टिप्पणी करने के लिए कोई ऐसा अवसर नहीं था। उन्होंने कहा ठीक, कंकरण की सभी सजाएं जो कल हुई है वो याद हुई है, सजाएं सभी बराबर चलेंगी, एक साथ सजाएं चलती रहेंगी, ऑर्डर जजमेंट मिलेगा, कॉपी मिलेगी, उसके बाद हम इसके प्रॉपर तरीके से हाईकोर्ट चंडीगढ़ में इसको अपील फाइल करेंगे और आगे से। क्योंकि सत्य की लड़ाई है, ये सत्य बहुत दूर तक लड़ाई लड़नी पड़ती है, झूठ बहुत जल्दी फैलता है, झूठ बहुत जल्दी पनपता है, और सत्य की लड़ाई के लिए उनका संघर्ष है। इसलिए उन्होंने पूरे संकोच से कहा कि जो फैसला आपको करना चाहिए क्या, लेकिन हमारी लड़ाई तो बहुत दूर तक की है। संत रामपाल दास जी ऐसा व्यक्तित्व तो है, जरूर इन्होंने लोगों को जीवन देने का काम किया है, जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है। रामपाल जी बात की, उन्होंने कहा बेटे चिंता नहीं करना, वो कहते हैं बेटे चिंता मत करना, निराश मत होना, ये निराशा का विषय नहीं है, यहाँ से आपकी आशा की किरण जगती है। आज आपको सबको अनुभव हो गया कि जैसा राम के साथ, कृष्ण के साथ, मीराबाई के साथ होता था, जैसा ईसा मसीह के साथ होता, जैसे राजा मोरद्वज के साथ हुआ, जैसा राजा हरिश्चंद्र को अपने बेटे को कटारे पर चढ़ाना पड़ा, जैसा उनके साथ हुआ, वो सत्य की लड़ाई लड़नी है, हमें बहुत दूर तक लड़ाई लड़नी है। यहाँ की कोर्ट का अपना फैसला है, ये ठीक हो गया, और फैसले में भी देखिए जल्दबाजी में लिया गया फैसला, इसलिए हमारे सारे फैक्ट, हमारी सारी एविडेंस, हमारी सारी हत्या के एक मामले में आज हिसार की सेशन कोर्ट ने रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमारे साथ रामपाल नितिन सिंह साहब मौजूद है। आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ? देखिए आज 420/14 में पहियार में संत रामपाल दास जी उनके साथ 14 अनुमानियों का फैसला था, क्वांटम ऑफ सेंटेंस का फैसला था, और संत रामपाल दास जी की लड़ाई बहुत देर तक है, सत्य की लड़ाई है और झूठ के अगेंस्ट लड़ाई है, झूठ के अगेंस्ट वो लड़ रहे हैं। और कोर्ट ने ये कहा कि अंडर सेक्शन 302 में आईपीसी में लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस 1,00,000 रुपया फाइन, और अंडर सेक्शन 120B में लाइफ इंप्रिजनमेंट और 1,00,000 फाइन ये किया है, और 340 में 5,000 फाइन और 2,000 की सजा फाइन का देकर 5,000 रुपये जुर्माना वो किया है। प्रोसिक्यूशन की क्या दलील थी और आपकी क्या दलील थी कि क्यों मिनिमम सजा दी जाए? प्रोसिक्यूशन मांग रहा था कि इसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि सेंशन में फांसी की सजा है, फांसी की सजा की मांग कर रहे, तो हमारा कहना था क्योंकि संत रामपाल दास जी की किसी भी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, वो अपने आश्रम में थे, बीमार थे, सबको जग जाहिर है, मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरे देश में और देश से बाहर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहां भी मानवता भलाई के कार्य, ब्लड डोनेशन का काम, कन्यापूर्ण हत्या को रोकने का काम, दहेज सहित शादियों का काम, जात पात खत्म करने का काम, ये सारा कुछ जो संत रामपाल दास जी कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की समाज को बहुत जरूरत है, समाज को दिशा निर्देशन की जरूरत है, कार्य सरकारें यही करती हैं, सरकारें अपने फंड के साथ करती हैं, और संत रामपाल दास जी अपने आप अपने फॉलोअर्स के सारे इन कार्यों को करते हैं, इसलिए उनकी सजा को कम किया जाए। हरियाणा सरकार के वो अधिकारी रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, उन्होंने कार्य किया हरियाणा सरकार के अधीन, तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, और उन्होंने तो अपना पूरा परिवार इसको समर्पित कर दिया, करोड़ों लोगों के परिवार के। कल हम लोगों ने देखा कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किस तरह आज के दौर के बाबा अपने अनुयायियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं और इनके प्रति कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्या आज अदालत का निर्णय इसी तरह का था या फिर अदालत आज इस मामले में कुछ मान रही? देखिए उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा बाबा के साथ, तो संत रामपाल दास जी उस तरह के बाबा को नहीं, वो संतरा को तत्वदर्शी है, ज्ञान देते हैं, और वो बाबा के लिए कोई तीरक नहीं, तंपूरा नहीं, दाढ़ी नहीं, कोई पंच कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ढोल सुनाई कोई चीज ही नहीं, कबीर पंथ पर आधारित है उनकी शिक्षा और उसका आधारित, और बात कीजिए आप पंचकुला की, आपने जब बाबाओं की घटना की, पंचकुला घटना में आपने देखा कैसा उपद्रव रूप, रौद्र रूप धारण किया, और आप जो देख रहे हैं लगातार, कल भी आपने देखा, आज भी देखिए, हिसार में सारा कुछ शांति है, ऐसा संत जिसके फैसले से पहले तो पुलिस बहुत लगानी पड़ी, 1344 लगानी पड़ी, हरियाणा को सील करना पड़ा पूरा, और हिसार को बिल्कुल सील कर दिया गया, और पुलिस धीरे धीरे हटती गई, सजा बढ़ती गई और पुलिस धीरे धीरे हटती गई, इससे बड़ा कानून का रखवाला कौन होगा, लॉ अबाइडिंग सिटीजन कौन होगा, कानून की रक्षा को करने के लिए कौन काम कर,
हम लोग कहीं कोई उपद्रव नहीं। हमने देखा कि 2014 में भी क्या हुआ था और आज अदालत ने जो भी फैसला किया है, अब अगला कदम क्या होगा? आपने 2014 में देखा कि किस तरह से पुलिस की लाठियों से मार मार के अंदर बंद किया जा रहा था, किस तरह से लोगों को मार, हमारे पास सीडी है, कोर्ट में सीडी दिखाई गई, किस तरह से पुलिस ने बर्बरता कांड किया। लोग जलियांवाला कांड भूल जागुल है, लेकिन बरवाला कांड नहीं भूल सकते। प्रेस को मारा गया, गाड़ियां चलाई गई, उनकी आईडी तोड़ी गई, उनके साथ ऐसा ना हुआ। और ये सजाएं कल जो हुई और आज हुई, ये सजाएं केस के लिए सजा नहीं है, क्योंकि इसमें तो कंप्लेनेंट कोई है ही नहीं। कंप्लेनेंट खुद का राज रामपाल जी निर्दोष है, कंप्लेनेंट की साफ बात है, तो न्याय किसको मिला? न्याय तो एक पक्ष को मिलना चाहिए। यहाँ कंप्लेनेंट भी कह रहा है कि संत रामपाल दास जी निर्दोष है, संत रामपाल दास जी उनके अनुयायी भी कह रहे हैं निर्दोष है। कौन है एक पक्ष ऐसा? ऐसा है हरियाणा की पुलिस ऐसा है जिसने बरवाला कांड को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से पुलिस को बचाने के लिए इनमें ये सजाएं दी गई। पुलिस अपना पक्ष बचा सके। सारी सजाएं एक साथ चलेगी, कितना जुर्माना लगा? सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, कंकरेंसी चलेगी। तो जाहिर है कि आज अदालत ने एक और मामले में रामपाल को उनके हमारे साथ में रामपाल के साथ ही लेती थी रामपाल को राहुल खाना से पहले बता दीजिए। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता है पी सिंह, एक दिन अगर आज की बात की जाए पूरे मामले में तो आपके तौर पर क्या लगी जाए जिसके संत रामपाल दास जी की तरफ से दलीय दलील थी, आज की दलील है। उन्होंने ये पहली बात तो यही से शुरू होती है, संत रामपाल दास हरियाणा गवर्नमेंट में इम्प्लाई थे, उसके बाद उन्होंने कबीर पंथ पर आधारित शिक्षा को चलाना शुरू किया, सत्संग का आयोजन किया, उन्हें मन में भक्ति भाव जागा और उसके बाद उन्होंने कबीर जी की शिक्षा पर आधारित, कबीर पंथ पर आधारित आगे चलाया और जिससे मानव भलाई के कार्य किए। उन्हें चाहे दहेज हत्याओं को रोकने का काम हो, दहेज रही शादियों का काम हो, कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने का काम हो, नशे को रोकने का काम हो और इसमें जातिवाद को खत्म करने के बाद आधार पर उन्होंने चलाया। ये बातें हमारी जो कोर्ट में रखी थी ग्राउंड थी। और दूसरी बात, जो FIR है इसमें FIR का कंप्लेनेंट शिकायत करता खुद साफ तौर पर कह रहा है कि संत रामपाल दास जी और उनके किसी फॉलोअर का कोई दोष नहीं है। वो खुद कह रहा है कि इस बात को, क्योंकि उसकी पत्नी को दो हार्ट वार्ड में प्रॉब्लम थी, टाइम से इलाज चला, खांसी में इलाज चला और उसके बाद उसको जब मौत हो जाती है एक्सपायर्ड ऑफ गैस के गोले से, दम घुटने से मौत हो, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। आज उसमें तीर्थ में भी वही सजा रखी गई, लाइफ इंप्रिजनमेंट 120 दिन में भी वही सजा रखी गई लाइफ इंप्रिजनमेंट और एक एक लाख रुपये फाइन रखा गया, तीसरी में 2 साल की सजा और फाइन 5,000 रुपये। क्या ये दोनों रन करने की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, साथ में चलेंगे अलग अलग का कोई थोड़ा पीछे रहा, सबकी सजा बराबर रखेगी। सर एक बात और, आपने कहा कि इस मामले में जो उन्होंने अपने लोगों से बताया, लेकिन हम उसे अफेयर की बात याद रखें, उसके अंदर लिखा गया था कि